नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है, यूपी ट्रिपल एसएससी से जुड़े सभी अपडेट लेकर हम आपके सामने उपस्थित होते हैं और आज आपके लिए बहुत बड़ा अपडेट है। और अपडेट क्या है कि यूपी ट्रिपल एसएससी में 13,000 पदों पर विज्ञापन जारी करने के निर्देश जारी कर दिए हैं और यह जो 13,000 पद रहेंगे इनका जो विज्ञापन है वो जुलाई में आपका जारी किया जाएगा। जैसे कि मेरे द्वारा बताया गया था पहले भी, काफ़ी टीचर्स इसको बता रहे थे कि सितंबर अक्टूबर में लेखपाल का नोटिफिकेशन आएगा, परंतु शासन ने इस चीज़ को क्लियर कर दिया है कि यह नोटिफिकेशन जो है 4700 पदों पर जो है जुलाई में आएगा। और मेरे सभी वीडियो में जो है मैंने जुलाई के अंतिम सप्ताह में इस नोटिफिकेशन को बताया है। साथ ही साथ अगर ANM की वैकेंसी की बात करें तो ANM वैकेंसी नोटिफिकेशन जो था, इस पर मैं कल भी आपको एक वीडियो बना चुका हूँ और उसमें मैंने बताया था कि आपका नोटिफिकेशन बहुत जल्द आ जाएगा। इसकी पुष्टि भी शासन ने कर दी गई है पूरी तरीके से, ठीक है। कनिष्ठ सहायक नए पदों के लिए जोड़ने के लिए बात की गई थी, परंतु नए पदों को जोड़ा भी जा सकता है 2024 में और लगभग इन पदों पर नया विज्ञापन भी आ सकता है। अभी इसके लिए क्लियर नहीं किया गया है, मगर लगता है कि नए पदों पर विज्ञापन जारी किया जाएगा और 1100 से ऊपर ये पद होंगे, ठीक है। जो बोला है एक बार फिर वही हुआ है। चलिए ये क्या है अपडेट, इसको देख लेते हैं। देखिए, जैसा आपको बताया गया था पहले भी हमारे माध्यम से और अभी अखबार में भी इस चीज़ को क्लियर कर दिया है, जुलाई में 13,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती के लिए जारी होगा विज्ञापन, ठीक है। 15 दिन में, क्योंकि 15 दिन का मतलब यहाँ पर क्या क्या है, जब से लोकसभा चुनाव के परिणाम आए हैं, यानी कि लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए हैं वो 4 तारीख को आए थे 4 जून को। इसका मतलब 6 जून से जो है शासन ने काम करना शुरू कर दिया था, ठीक है। और लगभग ऐसा मान चलिए दो दिन की छुट्टी थी, 15 दिन तक जो है पूरी तरीके से काम हुआ। तो 15 दिन में विभिन्न विभागों ने समूह गए यानी ग्रुप सी के 180 से अधिक अधियाचन यूपी ट्रिपल एसएससी को मिले, यानी कि 180 से ज़्यादा अधियाचन की हमारी विज्ञापन निकाली है, हमारा विज्ञापन निकाली है। इस चीज़ को लेकर जो है यूपी ट्रिपल एसएससी के पास इतने आए हैं। अब इनमें यूपी ट्रिपल एसएससी ने इन प्रमुख भर्तियों पर काम पहले से ही चल रहा है, जैसे अवर अभियंता 4612 पर काम पहले चल रहा है, AGTA पर 3446 पर काम पहले चल रहा है, JEE सिविल इस पर काम पहले से ही चल रहा है, ठीक है। और आपका सहायक लेखाकार व लेखा परीक्षक 1828 पर काम पहले चल रहा है, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट 1002 पद पर पहले से काम चल रहा है, होम्योपैथिक फार्मासिस्ट 397 पदों पर काम चल रहा है, कनिष्ठ विश्लेषक औषधि 361 पर काम पहले चल रहा है, स्टोर कीपर पर भी 200 पर काम पहले चल रहा है। परंतु यहाँ पर क्या है, देखिए ANM के 4800 पद, लेखपाल के 4700 पद और कनिष्ठ सहायक के 1100 पद। एक नई चीज़ ये और मिली है कि 1100 पदों पर कनिष्ठ सहायक का विज्ञापन आएगा। देखिए, प्रदेश के युवाओं को अगले महीने रोजगार के काफ़ी अवसर मिलेंगे। पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खाली पदों पर भर्ती की प्रक्रिया में गति लाने के निर्देश के बाद विभागों में काफ़ी तेजी आई है। पिछले 15 दिन में विभिन्न विभागों से समूह गए की भर्ती के लगभग 180 से अधिक अधियाचन यूपी अधीन सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल एसएससी को मिले हैं। इसके आधार पर वह 13,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती के लिए जल्द ही विज्ञापन जारी करेगा। आयोग की ओर से अगले महीने जिन प्रमुख भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया जाना है उनमें ANM, लेखपाल, कनिष्ठ सहायक, आशुलिपिक, JEE भर्ती शामिल हैं। आयोग स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत ANM के 4800 से अधिक पदों पर, देखिए कल भी वीडियो बनाया गया था और अभी भी ये बात बताई गई है, राजस्व विभाग के अंतर्गत लेखपाल के 4700 से अधिक पदों पर, राज्य कर, राजस्व परिषद आदि विभागों से कनिष्ठ सहायक के 1100 से अधिक पदों के विज्ञापन जारी करने की तैयारी है। इसी तरह आवास विकास में अन्य विभागों के JEE इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल 500 से अधिक पदों पर व उद्योग व उद्यम प्रोत्साहन के लिए 300 से अधिक पदों पर भर्ती शुरू करने की तैयारी है। आयोग के अनुसार 10 जून से 25 जून के बीच विभागों में 180 अलग अलग विभागों के भर्तियों के अधियाचन भेजे गए हैं। यह लगभग 3300 से अधिक पदों के हैं। वहीं कुछ अन्य अधियाचन पर पहले से प्रक्रिया चल रही है, यह भी जल्द फाइनल हो जाएगा। आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना ने कहा है कि विभागों के अधियाचन का परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। अधियाचन में अगले कोई कमी है तो उसे ठीक करने के लिए वापस किया जा रहा है। कई प्रमुख भर्तियों के लिए विभिन्न विज्ञापन लगभग अंतिम चरण में है। जुलाई में हम इनको जारी करेंगे। जैसे जैसे विभागों में आवेदन मिल रहे हैं हम वैसे वैसे प्रक्रियाएं पूरी कर आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा विभागों की भर्तियां प्रक्रिया में समाप्ति से पूरी की जाए। तो यहाँ से पूरी बात के मतलब पुष्टि हो चुकी है आपकी
कि विभाग मतलब अधिशासन तो फिर कई प्रकार के मिले हैं, परंतु उनमें सबसे पहले जो अंतिम चरण में है, अंतिम चरण में जो आपके प्रक्रिया है वो कौन कौन सी अंतिम चरण में प्रक्रिया है। तो पहली बात तो ये है कि अंतिम चरण में जो है वो तीन भर्तियाँ आपको देखने के लिए मिल रही हैं जिनका विज्ञापन जो है अंतिम चरण पर है। पहला जो है वह है लेखपाल, ठीक है। सब बच्चों ने कहा था, सब टीचर्स कह रहे थे कि सब लोग कि सितंबर अक्टूबर में आएगा, मगर मैंने ही एकमात्र मैं ही ऐसा शख्स था जो मैं बता रहा था आपको कि जुलाई के लास्ट में ही आपके ये विज्ञापन आएगा, समझ गया। नहीं तो जुलाई में देखो यहाँ दिया है तो लेखपाल का 4700 पदों पर ये नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा। दूसरा जो है एएनएम, एएनएम में मैंने आपको अभी बताया है कि थोड़ा सा डिले हो सकता था, परंतु एएनएम में अभी भी डिले होगा, ये जुलाई में नहीं होगा, जुलाई के अंत में अगस्त के प्रथम वीक में ही आपका आ पाएगा। और इसमें 4800 पदों से ज़्यादा का मतलब है वही 5200 पदों के ऊपर अप्रोक्स जो है आपका विज्ञापन आएगा। तीसरा जो है कनिष्ठ सहायक, इसको किसी ने नहीं बताया था, ना मैंने बताया था ना किसी ने बताया था कनिष्ठ सहायक की, और आयोग ने भी इस चीज़ की पुष्टि नहीं करी थी, परंतु जैसा मांग है राज्य कर राजस्व कर परिषद इन विभागों ने अपने अपने कनिष्ठ सहायक मांगे हैं, तो ऐसे 1100 पदों की भर्ती। अब देखिए कनिष्ठ सहायक के पहले से ही पद जो हैं वो 1262 पदों पर अभी तक टाइपिंग नहीं हुई है, 5512 पदों पर जो है अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है, और 1100 से प्लस पदों पर फिर नोटिफिकेशन निकालने की तैयारी है, जबकि 200 पदों पर भी बीच में नोटिफिकेशन निकाला जा चुका है स्टोर कीपर व कनिष्ठ सहायक के रूप में। तो ये देखिए कि कनिष्ठ सहायकों की कितनी आवश्यकता है, इस चीज़ का पता चलेगा और ये भर्ती कितनी तेज़ी से होगी। 1262 वालों के लिए बहुत तैयार रहेंगे, किसी भी दिन इनका नोटिस आ सकता है टाइपिंग के लिए, ठीक है। तो ये था इसमें चयन। और एक और बात, सुधार प्रक्रिया मतलब जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उसके बाद जो सुधार देखने को मिले हैं वह एकदम विश्वसनीय है। अब वहाँ पर एक ही चीज़ की कमी है सबसे पहले कि आप लोगों की तैयारी, आप लोगों को तैयार होना है अच्छे से अच्छे तरीके से जल्द तैयार रहना है, तैयारी ठीक ढंग से करनी है। अगर बात करते हैं यहाँ पर देख कट ऑफ, तो लेखपाल की अगर मैं बात करूँ इन तीनों पर पैट कट ऑफ क्या रहेगा, इन तीनों पर पैट कट ऑफ क्या रहेगा, इन तीनों की बात कर लेते हैं पहले कि इन तीनों पर पैट कट ऑफ क्या रहेगा। जैसे कि आपका पहला जो विज्ञापन है वो है लेखपाल का, तो मैं आपको बता चुका हूँ लेखपाल में 4700 पद आएंगे, 4700 पद मैं मानता हूँ कि जिसके 25 से लेकर 30 के मध्यम नंबर हैं वो तो बिल्कुल सेफ है, मगर आपको एग्ज़ाम फॉर्म जो है सबको फिल करना है, जिनके 25 से लेकर 30 के मध्यम हैं वो बिल्कुल सेफ हैं, वो अपनी तैयारी बेहतर ढंग से करेंगे तो वह शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। वहीं पर अगर बात करेंगे कि एग्ज़ाम फॉर्म वो सभी लोग करेंगे क्योंकि 25 रुपये की बात है, तो 25 रुपये में करने में कोई दिक्कत नहीं है। वहीं पर दूसरी बात अगर करें तो आपका आ जाता है एएनएम पद जो होता है, एक ऐसा पद होता है कि यहाँ पर जो है महिला ही इसमें आवेदन करेंगी, और परंतु ये पद काफ़ी हैं, 5200 प्लस पद हैं, तो इसमें अगर आपके प्लस में एक अंक भी है, अगर आपका प्लस में एक अंक भी है तो आप तब भी आप आवेदन भी कर सकते हैं और आप इसमें शॉर्टलिस्ट भी हो जाएंगे इसमें, ठीक है, शॉर्टलिस्टेड कर दिया जाएगा आपको, एक अंक भी है अगर आपका प्लस पद हो। वहीं पर अगर तीसरी बात करते हैं तो वो आपका है कनिष्ठ सहायक, ठीक है। कनिष्ठ सहायक के लिए अगर बात करें तो 1100 प्लस पद आएंगे, 1100 प्लस का मतलब समझ रहे हो लगभग 1300 के प्लस ये पद आने हैं, और 1300 प्लस पद के लिए यहाँ पर 25 से 30 अंक वाले भी मजबूती के साथ तैयारी करेंगे, जिनके 25 के प्लस और 30 हैं। अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि 25-30 मैंने यहाँ भी बताया, 25-30 यहाँ भी बताया, बहुत सारे बच्चे ये फॉर्म नहीं भरते टाइपिंग की वजह से, क्योंकि डबल टाइपिंग होती है इसमें, 25 की टाइपिंग होती है हिंदी की और 5 मिनट की होती है ये, और 25 की टाइपिंग होती सॉरी 30 और 30 की टाइपिंग होती है वो इंग्लिश की, ये भी 5 मिनट की टाइपिंग होती है, ठीक है। तो इन दो टाइपिंग की वजह से जो है जितने भी जीडी की तैयारी करने वाले बच्चे होते हैं, ठीक है, जितने भी यूपी पुलिस की तैयारी करने वाले होते हैं उनका लगभग जो है 40% बच्चे जो हैं आवेदन नहीं करते, ठीक है, 40% आवेदन नहीं करते, ठीक है, जैसे कि पिछली भर्तियों में भी देखा गया था आपसे। तो फिलहाल में फाइनली 3 विज्ञापन आपको जल्दी देखने मिलेंगे जुलाई में, और वहीं पर जुलाई में जो है आपको 102 रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एक तो रिजल्ट आपको आ सकता है जुलाई में, आपका ITI निदेशक वाला रिजल्ट आ सकता है, ठीक है, और दूसरा रिजल्ट जो है वो आपका BDO का रिजल्ट आपको देखने मिल सकता है, क्योंकि हर दिन जो है दिवाली है आपके लिए, हर दिन दिवाली है, क्योंकि आयोग ने कुछ इस तरीके से कर दिया है कि हर दिन दिवाली है आपके लिए, कुछ ना कुछ हर दिन हो रहा है। कल एक ऐसा दिन बीता है जिसमें कोई नोटिफिकेशन आयोग ने जारी नहीं किया, वरना तो सारे दिन सभी दिन जो है कोई ना कोई नोटिफिकेशन आपके सामने या नोटिस आपके सामने आया है, ठीक है। तो फिलहाल में आपकी तैयारी बेहतर होनी चाहिए, यहाँ फाइनली जो बात है वो है तैयारी के ऊपर डिपेंड, ठीक है। तीनों भर्ती क्लियर हो चुकी हैं, एएनएम वालों की बोलती बंद कर दी है जो बोल रहे थे, लेखपाल वालों की अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर इसका पता नहीं।